बाय। सुनो वो डेट का क्या बना? जब देखो तब अकेले खेलते रहे तो चाय गिर जाएगी। अब आपकी चाय। क्या सोच रहे है? मैं ये सोच रहा हूं कि शाहरुख की बीवी चेहरा क्यों नहीं दिखाती। आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये सोच रही हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, और निगार ये सोच रही है कि मुझे कैसे पता चला कि आप क्या सोच रहे हैं, और मिकी ये सोच रही है कि उसे क्या सोच रहा है। लड़की तुमने तो मुझे भुला दिया कि मैं क्या सोच रहा। पापा आप ये सोच रहे थे कि ये शाहरुख की बीवी आखिर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। साइंस की रूह से ये उनका जाती मामला है और हमें इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। साइंस की रूह से मुझे लगता है उस बुरके में कोई लड़का ना हो। अरे वाह पापा, दो जहीन लोग एक जैसे सोच रखते हैं। मुझे भी लग रहा है कि उस बुरके में कोई है, लड़का या लड़की। लेकिन आज हम सब पता करके रहेंगे कि बुरके में आखिर है कौन। वो कैसे? सोच रही हूँ मैं भी, सोचो। का फोन। हेलो हेलो शाहरुख, कहां पर हो तुम? मैं कब से यहां तुम्हारे रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही हूं। रियली? मैं समझा तुम्हारा मूड बदल के इसलिए नहीं आया। जल्दी आओ, मैं कब से वेट कर रही हूं। हां बस अभी आया। अच्छा ये कब से प्लानिंग रिकॉर्डिंग की है? कब से प्लानिंग? सर वो अभी तक सेट नहीं बना। सेट बनेगा, लगेगा, लाइट होगी और उसके बाद ही हम रिकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। भाई वाह जबरदस्त। एक काम करें, जो ये शो है इसकी टीम को जरा बुलाएं कॉन्फ्रेंस में, बोले मैं मिलना चाहता हूँ, और टर्मिनेशन लेटर बनवाएं सबका, फटाफट फारिग करें ये टीम। आपकी कोई लीडरशिप नहीं है यार? आपने सेट कब से, दो हफ्ते से बोला हुआ मैंने यार। मैं भी सर उनको क्या क्या बुलाएं आप, बुलाएं, बुलाता हूँ। दो हफ्ते हो गए सर यार, मतलब कोमल से फोन तो उठाओ। हेलो कहाँ हो? वो मोती कोमल भी यही बैठी है, रेस्टोरेंट में बैठी खराटे मार रही थी। अजीब लड़की है यार, लिपस्टिक ऐसे लगा के आई हो जैसे किसी का खून पी कर आई हो, और कॉन्फिडेंस चेक करो जैसे आने वाला अंधा होगा।
इधर ही हूँ भाई, तुम कहाँ हो? तुम्हारे सामने। मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर रहे थे? सब मेरे साथ ऐसे ही मजाक करते हैं। चलो अब। हाँ चलो। याद आया, मैं तो गाड़ी खुली छोड़ा है। अभी गाड़ी लॉक करके आता हूँ, ये रखो। अरे कौन सी गाड़ी, तुम्हारे पास गाड़ी ही नहीं है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अपना नंबर बता के कोमल का नंबर दे दिया। मैं तुम समझ के उससे बातें करता रहा हूँ? बंदे के अंदर थोड़ी अकल भी होती है, मतलब होनी भी चाहिए। तुम्हारे चक्रों में उसके साथ डेट पर भी चला गया। Are you serious? बिचारी कोमल। बिचारी कोमल या बिचारा मैं? लो आ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं तुमसे बदला लेके छोड़ूं, तुम देखना। क्या हो गया, नर्वस हो रहे अपने गर्लफ्रेंड के सामने? हाय कोमल। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ, थोड़ा सर में दर्द है। क्यों? कोको। गुस्सा आ रहा है मुझे। लाइव टीवी चैनल का कोई मतलब होता है या ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जग मारने आते हैं? मतलब क्या, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू पीपल? देखिए बात यह है कि ये लाइव शो मुझे नेक्स्ट वीक से ऑन एयर चाहिए। आप लोगों ने काम करना है, ठीक है, वरना जाएं। प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? सर अभी तक तो सेट ही फाइनल नहीं हुआ। सर सर मैंने सर को दो सेट दिखाए थे, इन्हें पसंद नहीं आए। एक ये भी ऑप्शन है, ये दिस लवली पीस ऑफ क्रैप। टीम से पूछते हैं, आप भी देखें प्लीज, यू लाइक इट? आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? नाइस। आप भी देखें कोमल, व्हाट डू, आपको कुछ अच्छा लग रहा है? अच्छा, यू नो जब सेट कोई कुछ नहीं बोल रहा, जब वो खुद कुछ नहीं बोला, तो लोग क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली कोई कमेंट्स नहीं आएंगे आप लोगों से। ये आउटपुट है आपकी महीने में। अनुषे, दिस इज हाउ यू वर्क। ये परफॉर्मेंस है आपकी, दो महीने हो गए आपको। कोमल, व्हाट डू थिंक वी शुड डू? टर्मिनेशन। वेरी गुड, गिव इट टू हर, गिव इट टू हर। ये परफॉर्मेंस अगर देंगे आप लोग तो कैसे काम आगे चलेगा? आई थिंक आई हैव टू गेट अ न्यू टीम, दिस इज टेरिबल, दिस इज टेरिबल। सर एक मिनट प्लीज। अनुषे, आप सर को वो वाला सेट दिखाए ना जो आपने मुझे दिखाया था। कौन सा सेट शाहरुख? मैंने तुम्हें कोई सेट नहीं दिखाया था। सर जस्ट गिव मी टू मिनट्स, मैं आपको भी एक चीज दिखाता हूँ। सर मैंने एक सेट डिजाइनर को आउटसोर्स सेट कर। सर हैव अ लुक एट दिस, इट इज माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। किसी चैनल के किसी शो पे नहीं आया आज तक। हाँ देखो, वैसे लाइट वाइट तो उसकी बड़ी जबरदस्त, अगर ऐसी हो जाए ना शाहरुख है, मजा आएगा। अनुषा आपने सर को दिखाया क्यों नहीं था ये वाला सेट? अच्छा, गुड वर्क। एक कॉल आ गया। ये अनुषा, ये आपने बनाया? ऑफ कोर्स। वेरी नाइस सर। लेकिन क्या अब सर, सर अब सर को पसंद आ गया, बात खत्म। सर एक्चुअली इनका मसला है कि ये सुपर टैलेंटेड है, लेकिन बस कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है। आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट, आई लाइक इट। वेल डन, वेल डन अनुषे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, कैरी ऑन, कल से सेट लगना शुरू हो जाए। गुड जॉब। ओह बाय द वे,
ने कहा था कि तुम मुझसे बदला दो। ये किस किस्म का बदला था मैं समझी नहीं। मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी, बचाना बहुत जरूरी है। नौकरी मेरी जा रही थी। पे तुम तो इतनी टैलेंटेड हो, कहीं भी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। मस्ता तो मेरा है, मुझे तो ये नौकरी भी नहीं मिल रही थी ना, तो इसको बचाना तो जरूरी था ना। तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड अंदाज से लाइन क्यों मार रहे हो? तो डायरेक्ट अंदाज में लाइन मार देता हूँ। वैसे ये सेट किसका था? उसी दोस्त का जिसकी गाड़ी थी। इनडायरेक्टली वो हमें मिला रहा है। मतलब हर जुमले में लाइन मारना जरूरी है बॉय को। अच्छा बताओ ये सेट जो है ये फ्री का है? बिल्कुल भी नहीं, इसकी एक कीमत है जो आपको देनी पड़ेगी, और वो है आपका मोबाइल नंबर। साथ जूते का नंबर नहीं मांगा, मोबाइल नंबर मांगा। चलो लिख ये लिख दो, और सही वाला देना जो पहले दिया था ना, अभी तक भुगत रहा हूं। सही वाला। सुनो कुछ नहीं।